दोस्तों, गांधी परिवार के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन राजीव गांधी और संजय गांधी के बीच हमेशा राजीव का ही नाम चला है। कई लोग तो संजय गांधी को इतना बड़ा नाम भी नहीं समझते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय गांधी का ही सपना था कि हर भारतीय भारत में बनी सस्ती कारों का लुत्फ उठा सके। जी हाँ, जिसने जन्म दिया मारुति को। दोस्तों, सभी भारतीयों की पसंद मारुति, जो संजय गांधी को राजनीति में भी कहीं ऊपर पहुंचा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद संजय राजनीति में फ्लॉप हो गए। और उनके राजनीति में फ्लॉप होने का बड़ा कारण माना जाता है बला की खूबसूरत रुखसाना सुल्ताना को। कौन थी रुखसाना सुल्ताना और संजय के साथ उनका क्या रिश्ता था, आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जग जाहिर है कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स पर इमरजेंसी एक डार्क चैप्टर है। इसे और ज्यादा डार्क बनाने के लिए इंदिरा से कहीं ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है उनके छोटे बेटे संजय को। कैसे, चलिए बताते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 1977 में कांग्रेस की करारी हार की वजह संजय के ही जाति भरे कदम रहे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जिसके लिए संजय को दोषी माना जाता है उसके लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार रही उनकी खूबसूरत दोस्त रुखसाना सुल्ताना है। और रुखसाना की ही वजह से संजय खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा बदनाम हुए। दोस्तों, संजय के बारे में उनके साथी मानते हैं कि वो देश को एडवांस्ड और डेवलप्ड देखना चाहते थे। उनका मानना था कि देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा लगातार बढ़ती जनसंख्या है। इसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नसबंदी का आइडिया भी दिया। अब इमरजेंसी के दौरान नसबंदी को जरूरी कर दिया गया, इसे जनता पर थोपा गया और इसके लिए जिम्मेदार रही रुखसाना सुल्ताना। इमरजेंसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, विलेज हेड्स, काउंसलर्स, एमएलएज, एमपीज तक की नसबंदी का कोटा तय था। दोस्तों, जिन स्टाफ ऑफिसर्स के 3 बच्चे थे उनके लिए नसबंदी जरूरी थी। कई बार कोटा पूरा करने के लिए ऐसे नौजवानों तक की नसबंदी की गई जिनकी शादी तक नहीं हुई थी। तब भी परिवार नियोजन के लिए मुस्लिम समाज को समझाना आसान नहीं था। संजय को ये बात पता थी, अभी वो इसका सोल्यूशन ढूंढ ही रहे थे कि उनके सामने आ गई रुखसाना सुल्ताना। बला की खूबसूरत रुखसाना ने संजय से कुछ करने की चाहत का इजहार किया। संजय ने उन्हें मुस्लिम लोगों को परिवार नियोजन के लिए समझाने और तैयार करने का जिम्मा दे दिया। फिर रुखसाना सुल्ताना जुट गई और ऐसी जुटी कि उस दौर में खौफ का दूसरा नाम बन गई। खासकर मुस्लिम समुदाय की रूह रुखसाना के नाम से कांपने लगी। आखिर रुखसाना कौन थी और उन्होंने ऐसा क्या किया कि दुनिया जिनकी दीवानी थी वो उनसे डरने लगी। दोस्तों, ये जानने से पहले कुछ बात संजय गांधी की भी जान लीजिए। इसमें दोहराई नहीं है कि इमरजेंसी ही एक तरह से संजय गांधी के पॉलिटिकल करियर का लॉन्चिंग पीरियड साबित हुआ। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे संजय, तब उनकी उम्र थी महज 29 साल। अपने मॉडर्न आइडियाज और तेज तर्रार इमेज के चलते वो फेमस हो चुके थे। उनकी ये इमेज उनके ओपोनेंट्स की नजर में तानाशाही थी। वहीं उनके दोस्त और करीबी रहे जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की नजर में संजय का सपना था देश को बेहतर और साफ सुथरा बनाना। इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लागू किया। इसमें से 5 पॉइंट संजय के दिमाग की उपज थे। संजय का जोर लिटरेसी, ब्यूटिफिकेशन, प्लांटेशन, डाउरी और कास्ट एनाइलेशन के साथ परिवार नियोजन पर था। भारत की कई प्रॉब्लम्स की जड़ बेतहाशा बड़ी जनसंख्या को माना जाता रहा है। कुछ ऐसी ही सोच संजय गांधी की भी थी। वो मानते थे कि फैमिली प्लानिंग के जरिए ही भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी वजह से इमरजेंसी में उन्होंने नसबंदी को अपने 5 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया। वैसे तो दोस्तों, आज भी मुसलमानों में नसबंदी और परिवार नियोजन को लेकर और मिसकंसेप्शन है। मुस्लिम समुदाय का परसेप्शन है कि नसबंदी या परिवार नियोजन उनके कम्युनिटी की पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश है। बहरहाल, तब संजय को लगता था कि अगर उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल कर ली, भारत को साफ सुथरा और हरा भरा बना दिया, तो दुनिया में उनकी इमेज बेहतर पॉलिटिशियन की बन जाएगी। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में नसबंदी को लेकर बेहतर परसेप्शन नहीं था, इसलिए संजय गांधी नसबंदी का काम जामा मस्जिद और चांदनी चौक के मुस्लिम बहुल इलाके से शुरू करके ही कम्युनिटी को अच्छा मैसेज देना चाहते थे। दोस्तों, संजय और रुखसाना की मुलाकात की कहानी भी जबरदस्त है। बता दें कि रुखसाना सुल्ताना आज की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह की माँ थी। रुखसाना की माँ का नाम था जरीना। वो बीकानेर रियासत के चीफ जस्टिस रहे एहसान उल हक की बेटी थी। जरीना की बहन बेगम पारा एक दौर में बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं। बेगम पारा तब बॉलीवुड की सनसनी के रूप में भी मशहूर थी। तो रुखसाना का दिल्ली के कनॉट सर्कस इलाके में बुटीक था। वो डायमंड ज्वेलरी कमीशन के बेस पर बेचा करती थी। एक दिन अपनी बुटीक में तब के प्रधानमंत्री के बेटे को देख उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पहली मुलाकात में उन्होंने संजय को प्रभावित कर लिया। ऐसे में दूसरी मुलाकात होनी ही थी, वह हुई। और इसी मुलाकात में रुखसाना ने संजय को एक प्रपोजल दे दिया। प्रपोजल उनकी लीडरशिप में काम करने का, उनकी लीडरशिप और टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी सौंपने का। युवा संजय पर रुखसाना की खूबसूरती और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का ऐसा असर हुआ दोस्तों कि उन्होंने अपना वाइटल पर्पस स्टरिलाइजेशन को पूरा करने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। रुखसाना इसके बाद संजय की करीबी होती चली गई, इतना कि खुद को संजय का आइसक्रीम दोस्त बताने लगी। बता दें कि रुखसाना को ना तो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस था और ना ही वह डॉक्टर थी। बावजूद इसके संजय ने उन्हें नसबंदी जैसा इंपॉर्टेंट काम भी सौंप दिया। रुखसाना का रहन सहन तब के हिसाब से बेहद मॉडर्न था।
इस्लामी रीति रिवाज और रहन सहन के अलावा वो बिल्कुल मॉडर्न अंदाज में जामा मस्जिद इलाके में घूमने लगी। उनकी कोशिश महिलाओं और लोगों को नसबंदी के लिए इंस्पायर्ड करने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दिनों यह चर्चा आम थी कि जामा मस्जिद इलाके के 8,000 मुसलमानों की नसबंदी के लिए रुखसाना को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से 84,000 रुपए की पेमेंट भी की गई थी। तब 84,000 आज के करीब 84 लाख के बराबर थे। दोस्तों, संजय गांधी की टीम में शामिल होते ही रुखसाना ने जामा मस्जिद इलाके में 6 नसबंदी कैंप लगाए और लोगों को मनाने की कोशिश में जुट गई। देखते ही देखते उनका कैंपेन जोर जबरदस्ती वाला हो गया। इसे लेकर तब इंदिरा गांधी तक शिकायत की जाती थी। शिकायत की गई कि टारगेट पूरा करने के लिए 60 साल के बूढ़े से लेकर 18 साल तक के जवान लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा, लेकिन संजय गांधी ज्यादती के आरोपों को खारिज कर देते थे, जिसके बाद नसबंदी की ज्यादती के खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे होने लगे। तब भी संजय गांधी का रुखसाना पर भरोसा बरकरार रहा और बात आगे तब बढ़ी जब इसी बीच रुखसाना ने 2 इमामों को नसबंदी के लिए मना लिया। मुजफ्फरनगर के 2 इमाम शरीफ अहमद और नूर मोहम्मद ने नसबंदी करा ली। रुखसाना ने इसे खूब प्रमोट किया। वो यह जताने में कामयाब रही कि मुस्लिम धर्म गुरु भी नसबंदी के लिए तैयार हैं, वो भी उस मुजफ्फरनगर के जहां दंगे हो रहे हैं। तब ये बड़ी बात थी, संजय गांधी बहुत खुश हुए। उन्होंने खुद दोनों इमामों को नसबंदी का सर्टिफिकेट और 101 रुपए का नाम दिया। लेकिन मामला दोस्तों यहीं नहीं रुका। रुखसाना का नाम दिल्ली के मशहूर तुर्कमान गेट कांड से भी जुड़ा। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने तय किया कि दिल्ली से झुग्गियां साफ हो। उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने का फैसला भी लिया। इसी के तहत 18 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट के रिहायशी इलाकों पर बुलडोजर चला दिए गए। जब इसका विरोध हुआ, लोग मरने मारने पर उतारू हो गए तो पुलिस ने गोलियां चला दी और इस पूरे कांड में 20 लोग मारे भी गए। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी 13 अप्रैल 1976 से ही हो रही थी। तब दिल्ली में रुखसाना का दबदबा भी था। कुछ लोगों ने शायद 16 अप्रैल के दिन तुर्कमान गेट को जमींदोज ना होने देने के लिए रुखसाना से गुहार लगाई। अब रुखसाना ने एक शर्त पर तुर्कमान गेट वालों की मदद करने की पेशकश की। रुखसाना ने शर्त रखी कि वो संजय गांधी तक ये बात तभी पहुंचाएंगी जब वहां के लोग नसबंदी केंद्र चलाने के लिए सहमत हो। इतना ही नहीं दोस्तों, हफ्ते में नसबंदी के लिए कम से कम 300 केस लाए जाएं, लेकिन लोगों को ये मंजूर नहीं हुआ। फिर जो तबाही हुई वो इतिहास बन गई। बता दें कि संजय गांधी के करीबी मानते हुए इमरजेंसी में रुखसाना की इन्हीं ज्यादतियों की वजह से संजय ज्यादा बदनाम हुए। अपने करीबियों की नजर में संजय उतने बुरे भी नहीं थे। वो भारत को डेवलप्ड और इफेक्टिव देखना चाहते थे, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था। इसके बाद साल 1977 के आम चुनाव में हार होने तक संजय को रुखसाना की गलतियों का पता लग गया था। उन्होंने बड़ी चालाकी से रुखसाना को कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद रुखसाना ने सिख सैनिक अफसर शिविंदर सिंह से शादी कर ली। शिविंदर जाने माने पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। हालांकि दोनों में लंबे समय तक पटरी नहीं बैठी और अलग हो गए। रुखसाना और शिविंदर की बेटी एक्टर अमृता सिंह है, जो एक्टर सैफ अली खान की एक्स वाइफ है। दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल शादी के बावजूद कांग्रेस से अलग होने के बाद रुखसाना गुमनामी के अंधेरे में खो गई। साफ है कि राजनीति किसी को नहीं बख्शती और यही रुखसाना और संजय के साथ हुआ। बता दें कि जब संजय रुखसाना से मिले थे तब वो शादीशुदा थे। उनकी वाइफ मेनका गांधी आज बीजेपी पार्टी की नेता है। दोस्तों, ये थी संजय और रुखसाना की राजनीतिक कहानी, जिसने संजय का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया। आपको कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।